सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। मित्रों, बात करेंगे धनुराशि वाले जातकों का। 7 नवम्बर और 8 नवम्बर ये दो दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे, ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल है, कैसे परिवर्तन हुए हैं, इसका असर आपके इन दो दिनों के दैनिक राशिफल पे कैसा पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं धनुराशि वाले जातकों के लिए ये दो दिन कैसे रहने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे मित्रों पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ धनुराशि वाले जातकों के लिए ही काम करती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये दो दिन धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इन दो दिनों में जो पीने की यानी कि ड्रिंक करने की जो आप आदत है आपकी, उसको अलविदा कहने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। अगर आप प्रयास करेंगे दो दिनों में शराब को छोड़ने का, तो अवश्य इसमें आप सफल हो पाएंगे। ग्रह नक्षत्र ऐसे इशारा कर रहे हैं, इसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो अगर आप भी परेशान हैं, शराब की लत नहीं छूट रही है, तो इन दो दिनों में प्रयास जरूर करिए, अवश्य ही इस आदत से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको समझना चाहिए कि शराब जो है सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है और यह आपकी क्षमताओं पर भी गहरा असर डालता है, कठोर घात करता है, इसलिए इस आदत को छोड़ दीजिए जितना जल्दी हो सके। दोस्तों, इन दो दिनों में धन हानि होने की संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए लेन देन से जुड़े मामलों में जितना आप सतर्क रह सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतिए, नहीं तो आपको घाटा हो सकता है इन दो दिनों में। दोस्तों, ये दो दिन बढ़िया रहेगा जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। आपके सामने चुनने के लिए कई मौके होंगे और आपके पास जो समस्या ये होगी कि किसे पहले चुना जाए। दोस्तों, प्यार का भरपूर लुफ्त आपको मिल सकता है। नई परियोजनाओं और कामों को अमली जामा पहनाने के लिए देखा जाए तो ये दो दिन उस लिहाज से बहुत ही बेहतर दिन है। बेवजह की उलझनों से दूर होकर इन दो दिनों में किसी मंदिर या गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय आप बिता सकते हैं। यहाँ पे आपको मन को शांति मिलेगी, संतोष की प्राप्ति होगी, आपके मन में शांति आएगी। दोस्तों, जो आपका जीवन साथी है आपको खुश करने के लिए इन दो दिनों में काफ़ी कोशिश करता हुआ नज़र आएगा और आपको उनकी मदद भी करनी चाहिए ताकि वो आगे भविष्य की योजनाओं में आप दोनों कदम से कदम मिलाकर चल सकें, जिससे फ़ायदा आगे चल के दोनों को हो। मित्रों, इन दो दिनों में जो शुभ अंक है आपका 4 और 5 रहेगा। दोस्तों, उपाय करिए, अवश्य इस उपाय को एक बार फॉलो करिए। दो दिन में बिजनेस या नौकरी में तरक्की हेतु अगर तरक्की चाहते हैं तो प्रातः काल यानी कि सुबह सुबह घर की खिड़कियां खुली रखिए, जिससे सूर्य की जो रोशनी है, धूप है, आपके घर में कमरे में प्रवेश करे। सूर्य की जो सुबह की रोशनी होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है। जिस घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती सुबह सुबह, उस घर में विकास नहीं होता, इसलिए सूर्य की रोशनी को जरूर आने दीजिए घर में। आपके घर का उन्नति, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये था आपके दो दिनों का दैनिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ मित्रों ये वीडियो आप सभी मित्रों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए हमारे YouTube चैनल पे। अगर पहली बार आए हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह चैनल सिर्फ आप ही के लिए काम करती है, यानी कि इस चैनल पे सिर्फ आप ही के लिए वीडियो मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। जय श्री राधे।